दोस्तों, आप सब कभी ना कभी ट्रेन में सफर तो जरूर ही किया होगा। तो आपने कभी ये जरूर देखा होगा कि कोई इंसान या जानवर ट्रेन के सामने आ जाता है तो ट्रेन नहीं रुकती है। अक्सर हम लोग अपने जीवन में ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते रहते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आखिर में ट्रेन के सामने कोई आ जाता है तो ट्रेन क्यों नहीं रुकती है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन के अंतिम डिब्बे के पीछे LB लिखा हुआ लाल रंग का एक बोर्ड क्यों लगा होता है। ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रही इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम आपको भारतीय रेलवे के बारे में कुछ मजेदार रोचक तथ्यों को बता देते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दुनिया में इसका स्थान दूसरे नंबर पर है। आपको बता दूं कि देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाती है। इस दौरान वह 4,286 किलोमीटर दूरी तय करती है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 में पश्चिमी भारत में हावड़ा से हुगली के लिए चली थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 जून 1981 को बिहार में एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसके कारण इसमें 800 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किसी ट्रेन के सामने इंसान या जानवर आने के बावजूद भी ड्राइवर ट्रेन को क्यों नहीं रोकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं तो सामने दो बैरियर लगे होते हैं, और जब ट्रेन आती है तो उस समय ये फाटक बंद हो जाते हैं, जिससे कि कोई भी उस समय रेलवे लाइन को पार न कर पाए। लेकिन कुछ समझदार लोग उस समय उस फाटक को क्रॉस करके रेलवे लाइन को पार करते हैं। कभी कभार तो दुर्घटना भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ट्रेन के सामने कोई चीज आती है तो ट्रेन को रोकने के लिए लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रेन 20 से 25 कोच वाली ट्रेन है और वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की कम से कम दूरी 850 मीटर होनी चाहिए। और अगर कोई सामान ले जाने वाली गाड़ी पूरी तरह से लोड हो और वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है तो उसमें इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की मिनिमम दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इतनी अधिक दूरी से सामने की चीजों को देख पाना बहुत ही मुश्किल है। और अगर ट्रेन की रेलवे लाइन 2 डिग्री कर्व से मुड़ी हो तब 500 मीटर की दूरी से देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोको पायलट सामने की चीजों को जब देखता है तो बहुत ही कम दूरी पर होती है, और इसी वजह से लोको पायलट ट्रैक पर किसी चीज को देखने के बाद भी ट्रेन को नहीं रोकते हैं। उनके लिए हॉर्न एकमात्र उम्मीद होती है, जिसे बजाकर वो लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी जाना कि ट्रेन क्यों नहीं रुकती है। अब जान लेते हैं कि ट्रेन के अंतिम डिब्बे के पीछे LB लिखा हुआ लाल रंग का एक बोर्ड क्यों लगा होता है। मैं बता दूं कि LB का मतलब होता है लास्ट बेंगल। इसे किसी भी पूरी ट्रेन के सबसे अंतिम में इसलिए लगाया जाता है ताकि जब यह गाड़ी किसी स्टेशन को पार कर रही हो तो उस स्टेशन का स्टेशन मास्टर उस LB को देखकर यह समझ सके कि यह ट्रेन पूरी के पूरी सही तरीके से जा रही है और इसका कोई भी डिब्बा रास्ते में नहीं छूटा है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि आखिर में LB को लाल रंग से क्यों लिखा जाता है। बता दूं कि लाल रंग बहुत दूर से भी दिखाई देता है। कभी कभी ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड में चलती है तो उसे स्टेशन पार करने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, तो ऐसे में स्टेशन मास्टर सिर्फ लाल पट्टी को भी देख लेता है तो समझ जाता है कि यह ट्रेन पूरी की पूरी जा रही है। भारतीय रेलवे में जितनी भी गाड़ियां चलाई जाती है हर ट्रेन के पीछे LB लिखा हुआ होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये खतरे का संकेत माना जाता है और इसकी सूचना तुरंत स्टेशन मास्टर और कंट्रोल को दी जाती है। अब शायद आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि आखिर ये रात को तो दिखाई नहीं देता होगा, तो स्टेशन मास्टर रात को कैसे देख पाता है। बता दूं कि रात के समय इसके बदले लाल टिमटिमाती बत्ती का उपयोग किया जाता है, जिसे रेलवे के भाषा में टेल लैंप कहा जाता है। रात को इसे भी देखकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।